हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि रीवा जिले के शाहपुरा थाना अंतर्गत खटकरी चौकी में जमुई गांव में दो नामजद आरोपियों सहित अन्य कुछ आरोपियों के द्वारा गौ हत्या को अंजाम दिया गया है। धरना हुई हमारे घर, पशुओं को काटा गया है कल रात को शायद, तो हम कहीं बाहर से आए घर में, तो हमारे बगल में लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनकी आपसी में, तो पुलिस पता चला कि कल रात को यहाँ पे हुआ है कुछ ऐसा। किसका लड़ाई झगड़ा हो रहा था? उन्हीं मुस्लिम समाज के। कौन है उनका नाम? एक रियालुद्दीन है, और मुबारकदीन के घर में गाली दे रहा था जोर जोर से। क्या बोल रहे थे? पशुओं कल काटा गया है, खाया गया है। ये कौन बोल रहा था? वो रियालुद्दीन। किसको बोल रहा था? वो मुबारकदीन के घर में। मुबारकदीन के घर में कौन बोल रहा था? रियालुद्दीन। उसको मुबारकदीन को बोल रहा था ऐसा। चलिए, कल रात को यह हुआ है, ये लोगों खाए हैं। बताया गया कि फरियादी विनायक गुप्ता निवासी चौहाना के द्वारा खटकरी चौकी में सूचना दी गई कि कुछ विशेष समुदाय के द्वारा जमुई गांव के जोकी नाला के किनारे गाय को काट दिया गया है। सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मौजूद साक्ष्य को एकत्रित करके पशु चिकित्सालय भिजवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सर, शाहपुर थाना अंतर्गत कुछ गायों के अवशेष मिले हैं, पुलिस जांच कर रही है, क्या ऐसा पूरा मामला? इसमें जमुई थाने की घटना है जहाँ पे अवशेष मिले हुए हैं, जिसके संबंध में सूचनाएं आई थी, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और आए हुए साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों शाहपुर थाना अंतर्गत अपराधियों और चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से अपराधियों व चोरों के द्वारा शाहपुर थाना अंतर्गत आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आम जनमानस में डर का माहौल बना हुआ है। रीवा से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट।